Hello everyone, welcome to Peckham's Online. Today I'm going to teach you basic English, lecture number 41, relative pronouns. हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, अभी हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं, हमें 20 से 25% पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं. मतलब अगर आपने कोई गाड़ी चलानी है तो आप उसमें से उसके 80% पुर्जे निकाल लें तो वो गाड़ी चलेगी. जब तक हमें ये सब चीज़ें नहीं आती हैं तो क्या हम इंग्लिश सही तरह बोलेंगे? नहीं बोल सकते या ना लिख सकते. अच्छा, अब रिलेटिव प्रोनाउन. हमारे दिमाग में यह है कि हु और विच जो है वो हमेशा यूज होता है, किस लिए? क्वेश्चन पूछने के लिए. मगर नहीं, अब देखें, आई लाइक द पर्सन हु लिव्स इन लाहौर. आई लाइक द पर्सन हु लिव्स इन लाहौर. हु यहां पे क्वेश्चन है? नहीं, ये है रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज टू डिस्क्राइब कनेक्शन. इट इज यूज टू डिस्क्राइब, एक तो डिस्क्राइब करता है और टेल अ कनेक्शन. आई लाइक द पर्सन हु लिव्स इन लाहौर. मुझे वो इंसान पसंद है जो लाहौर में रहता है, जो, ठीक है, जिस उर्दू में जो लाहौर में रहता है. अब विच, आई like the place which is beautiful. तो हमेशा याद रखें relative pronouns, who, which, और भी list है जो आपको नीचे दी हुई है, वो सबको आप डालें. वो जब आपने description देनी होती है किसी चीज की तो हम relative pronouns को use करते हैं.